अच्छा जी, मानव को लेते हैं, बेचारा बड़ी देर से बैठा हुआ है, एक्स हिंदू कह रहा है मैं हूँ। हाँ जी हेलो, हाँ जी जी ठीक से आवाज आ रही? जी आ रही, क्या कहना चाहेंगे फिर इसके बाद, पपीता हाय इसके बारे में। हरीश, हाँ जी कैसे हो? ठीक हूँ नमस्ते। जी। और मैं भारत से बात कर रहा हूँ और अच्छा मैं एक यूट्यूबर हूँ। मेरे 1 लाख से अच्छा ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं अच्छा और अभी बहुत ज्यादा पाकिस्तान से भी सब्सक्राइबर्स क्या हैं। चैनल और है मेरे आपका? दोस्त, मैं अभी बताना नहीं चाहता, इवन मैंने अपना नाम भी अच्छा बदल के आया हूँ। मैं अच्छा अच्छा चले अभी ठीक मैंने है, वो चले ठीक डिसीजन है, नहीं लिया, अभी मैं सिर्फ अपनी चले स्टोरी रखने आया हूँ। तो जी जी सर जी। बात ऐसे शुरू हुई कि जब आपने अपनी आप जब सरफेस के ऊपर आए यूट्यूब पे और आपके वीडियोस सर्कुलेट होने लगे इंडिया पाकिस्तान में, और मैंने आपके वीडियोस बाद में अपने मुस्लिम फ्रेंड्स से शेयर करने शुरू किए। उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि आपके चैनल पे हिंदूज भी आने लगे डिबेट करने के लिए, आपको कहने के लिए कि भाई आप हिंदुइज्म अच्छा रिलीजन है, सच्चा रिलीजन है, आप एक्सेप्ट कर लो। तो वो वीडियोस देख के मैं भी एक्स हिंदू हो गया, मैं भी एथिस्ट हो गया। उससे पहले मैं तो एग्नोस्टिक जैसा ही था, ठीक है। और आपके, और मैंने ओशो का सिर्फ एक वीडियो देखा। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी का एक स्टेटमेंट अच्छा लग गया तो मैं उसको फॉलो करने लगूँ। और मैंने एक वीडियो ऐसा देखा था जिसमें किसी ने पूछा कि ये यूनिवर्स किसने बनाया, तो कहते हैं कि अगर गॉड ने बनाया तो गॉड को किसने बनाया, तो कहते हैं अगर गॉड को किसी ने नहीं बनाया यूनिवर्स, तो यूनिवर्स अगर गॉड खुद ब खुद बन जाते हैं तो यूनिवर्स भी खुद ब खुद क्यों नहीं बन सकता। और जी वो एक ही वीडियो था जिससे मैं एथिस्ट बन गया। और हिंदुइज्म में क्या खराबियां हैं, वो तो खैर ऐसी चीजें हैं कि हम यहाँ से पले बड़े हुए हैं तो कुछ चीजें जानते हैं, कुछ चीजें मीडिया में भी वो गलत होती है, वो इस्लाम के बारे में भी गलत होती है, हिंदुइज्म के बारे में गलत होती है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो रियल होती है। वो कोई डिबेट करने की चीज ही नहीं है कि स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है, सिर्फ कंसेप्ट ही कुछ ऐसे हैं वो जब हम समझ जाते हैं तो हमें कोई प्रूफ प्रूफ की जरूरत नहीं होती, हमें पता चल जाता है कि असल में ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इस यूनिवर्स में गॉड का एग्जिस्टेंस हो सके। और एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, मैंने जिनको हिंदू थे, मेरे रिलेटिव्स में ही बहुत सारे ऐसे थे जिनको मैंने एथीस्ट बनाया है। मेरे बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान से भी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने एथीस्ट बनाया है, और वो सब आपके आपके साथ बात करना चाहते हैं, लेकिन 1 साल में मैं भी आपके साथ अभी ही बात कर पाया हूँ क्योंकि बहुत वेट करना पड़ता है, इतना आई एम रियली टॉपिक होता है। सॉरी मानव, आई एम रियली सॉरी। मुझे अगर मुझे पता होता कि आप उनके थ्रू जानते हैं या उन्होंने मुझे मैसेज कर दिया होता तो मैं आपसे बात कर लेता। आप खुद कह रहे हैं आप इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को मैं लाइन पर नहीं, लेकिन ये मैं लाइन के ऊपर ही चल रहा था, लेकिन आपका पता नहीं क्यों आप मेरा ख्याल ड्रॉप हो गए थे बीच में एक दफा, क्योंकि जब आप दोबारा आए होंगे, दो तीन बार ड्रॉप हो गया था मैं। हाँ तो जब आप दोबारा आते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, तो वो फिर एट द आपने मेरा ख्याल स्ट्रीम यार्ड यूज किया यानी, तो आप फिर से एट द बॉटम चले जाते हैं, तो हाँ, ये वही ऐसा ही होता होगा। इस वजह से चूंकि मुझे पता नहीं था आपका, तो फिर मैं आपकी आप दोबारा से लाइन में लग जाते, तो माफ कीजिएगा ये गलती यानी ये मैं आप इसको नहीं देख सका। मुझे आज का जो है शो, मुझे अब समझ नहीं आ रही कि इसकी कैसी, 4 एक्स मुस्लिम्स आए हैं जो कह रहे थे कि मेरी किताब या बातें सुन के या वीडियोस देख के वो इस्लाम उनका चला गया। अब एक हिंदू लड़के ने पहले भी मैसेज किया था कि गालिब और मेरी बातें सुन के वो एक्स हिंदू बन गए, और अब आप आए हैं जिनका अपना एक यूट्यूब का चैनल है और आप कह रहे हैं कि आप भी एक्स हिंदू बन गए छोटी सी बात पे, जो बड़ी। और ये बात इसमें पता क्या, आप लोगों का प्यार मोस्ट वेलकम, लेकिन ये वो बातें हैं जो मेरी इजाद की भी नहीं है, ये बड़े सिंपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। इससे आप हाँ ये बिल्कुल, अंदाजा लगाएं, इससे आप ये अंदाजा लगाएं कि हमने अपने मुआशरों को, ये बातें गोरों के जमानों में मुल्कों में पिछले 400 सालों से होती आ रही है, बल्कि ग्रीस अरस्तु के जमाने से होती चली आ रही है, लेकिन हमने अपने लोगों तक ये बातें आर्ग्यूमेंट पहुंचने नहीं दिए। ये मैं जितने भी एथियस्टों से मिला हूं ना, वो सारे कहते हैं कि बचपन में ही 8 9 10 साल की उम्र में उनके जहन में ये ख्याल आया कि अगर हर चीज को बनाने वाला है तो अल्लाह को किसने बनाया, या खुदा को, भगवान को किसने बनाया, ईश्वर को किसने बनाया। लेकिन वो बजाय इसके कि हम इस थॉट को एंटरटेन करें, उसको दबा देते हैं, उसको डरा देते हैं बच्चे को, और बच्चे की कंडीशनिंग करते जाते हैं। जी एक बड़ी मशहूर हदीस है कि रसूल ने कहा कि अगर पूछो जी कि अल्लाह को किसने बनाया, तो आगे से ये आयत पढ़ दो कि अल्लाह मुझे शैतान से बचा,
ओ मामा जवाब दे कोई, ये क्या बात हो गया, अल्लाह मुझे शैतान से बचा, क्योंकि रसूल अल्लाह के पास खुद ऐसा जवाब नहीं था। और मुसलमान बड़े फख्र से कहते हैं हम अल्लाह को बगैर दलील या बगैर सबूत के मानते हैं। ओ मामे इसके ऊपर फख्र मानने वाले में चपेड़ खाने वाली बात है कि बगैर दलील के तुम किसी चीज को मान लेते हो तो उड़ने वाले बांदर को भी मान लो, या फिर किसी और थोर को भी बगैर दलील के मान लो। तो ये सारी बातें जो है ना, ये बड़ा अफसोस करने वाला मकाम है कि अपनी सोसाइटी में मेरे लिए जब मैंने अपना रिलीजन छोड़ा और मैं एथिस्ट बना, तो मेरे लिए ऐसी कोई जरूरत मुझे नहीं पड़ी थी कि मुझे स्क्रिप्चर में से रेफरेंस देके बताओ और प्रूफ करके दिखाओ कि ऐसा लिखा है वैसा लिखा है। मैंने जब वो लॉजिक समझा ना, तो मैं समझ गया कि अब ये खत्म बात, अब मैं एथिस्ट ही हूँ और यही पॉसिबल ही नहीं है कि फिर गॉड हो ही सकते। अगर गॉड खुद ब खुद बन सकते हैं तो यूनिवर्स भी खुद ब खुद बन सकता है, तो फिर गॉड को क्यों हम माने। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है, उन्होंने करीब 13 अरब साल पुरानी इमेजेस दिखाई है, पूरी दुनिया को दिखाई है, तो उसमें तो कहीं पर गॉड दिखता नहीं है और ना ही वो बना रहे होते ऐसा कुछ दिखता है, और कोई उनका एविडेंस भी नहीं दिखता। अब उससे तो पुराना कितना हो सकता है, अब ये हिंदुइज्म और कुरान में जो बोल रहे हैं कि भाई इतने 6-7 हजार साल पहले कुरान में अगर लिखा है कि बना है यूनिवर्स, तो फिर 13 अरब साल पुराना एक इमेज है जिसमें आपको कहीं पर भी गॉड का हैंड भी नहीं दिखता, गॉड की कोई क्रिएशन भी नहीं दिख रही कि वो क्रिएट कर रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा प्रूफ है इस स्केल के ऊपर। और नहीं कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि है एक चीज है ही नहीं ना, वो कैसे आएगी। उसको जांचने का तरीका ये है कि हम अपने टेक्स्ट को, रिलीजियस स्क्रिप्चर को देखें, उसके अंदर देखें बड़ी साइंसी गलतियां। आपको दुनिया के हर रिलीजियस स्क्रिप्चर के अंदर साइंसी गलतियां मिलेंगी, ये मैं दावा कर सकता हूं विदाउट इवन रीडिंग ऑल द वर्ल्ड, यानी जितने भी दुनिया में स्क्रिप्चर्स हैं रिलीजियस, ये मैं बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों? इसके पीछे भी मंतक है, लॉजिक है इसके पीछे। इसके पीछे लॉजिक ये है, क्योंकि अगर किसी ने हजारों साल पहले साइंटिफिक एक्यूरेट बातें की होती जो उस वक्त के लोगों को ना पता होती, तो आज वो जो सोसाइटी थी वो सोसाइटी सबसे आगे होती। यानी अगर हमें आज बता दें, लेट्स से ये अक्सर लोग थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अमेरिका के पास यूएफओ की, एलियंस की टेक्नोलॉजी है, यानी एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। वो कहते हैं इस वजह से अमेरिका के पास जो एयरफोर्स है वो बाकी पूरी दुनिया से एडवांस है, क्योंकि वो एलियन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। बंदा पूछे इसका मतलब, अगर लेट्स अस्यूम कि ये थ्योरी जो है ये करेक्ट है, तो इसका मतलब ये है कि एलियंस ने अमेरिका को चूज किया कि हम आपको अननोन नॉलेज देंगे। तो जारी बात है, अगर आपके पास अननोन नॉलेज आ जाएगा जो बाकी इंसानियत के पास नहीं है, ऑब्वियसली यू विल बी बेटर देन दैट। लेकिन जब हम देखते हैं तो ऐसी बात नहीं है, वो भी फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स के ऊपर है, बाकी भी फिफ्थ जनरेशन प्लेन्स के ऊपर है, तो इसके अंदर कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो यही वो वजह है कि हम ये सारे के सारे, कोई भी हमें मजहब ऐसा नहीं मिलता, अगर कोई क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स ने आपको एक ऐसी बात दे दी है तो आपने तो सबसे आगे होना था। लेकिन क्या जो सबसे मजहबी लोग हैं वो सबसे पीछे हैं, सबसे आगे जो वेस्ट है वो उतना ही मजहब से दूर है। तो ये इसके पीछे कॉमन सेंसिकल बातें, लेकिन आप दुनिया को देख ले, हिंदू के लोग आ जाएंगे, वो जी हमारे नहीं, हमने ये डिस्कवर किया, हमने वो डिस्कवर किया। मुझे ये सारी चीजें पढ़े बगैर भी मैं ये दावा कर सकता हूँ, मैं ये क्लेम कर सकता हूँ कि आपकी बातों के अंदर कोई खास बातें नहीं है, नहीं तो आप बहुत आगे होते बाकी दुनिया से। चले सर, बहुत शुक्रिया आपके आने का, मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे PayPal या Patreon पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।